joining me right now is Jagbir Singh. He is one of the key eyewitnesses. There are over 100 eyewitnesses that have been put forth by the wrestlers. He is one of them. He's joining us now. He is a referee now, an international referee where wrestling is concerned. Earlier on, he has also been the coach of the men's India men's team. I spoke to him a short while ago. Jagbir ji, bahut shukriya sir, aap humse jude. एक की आई विटनेस कहते हैं आप, वो हैं इस पूरे केस में. जगबीर जी, सबसे पहले आप यही बताइएगा, क्या आपने कभी ब्रिजभूषण शरण को फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज करते हुए देखा है महिलाओं को? कोई वाकया है जो आपको बिल्कुल याद है? लखनऊ में 25 मार्च 2022 की एक घटना है. एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी, सीनियर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल थी 25 मार्च 2022 को. ट्रायल के बाद एक फोटो सेशन होता है, जिस फोटो सेशन में प्रेसिडेंट था और कोचिज साहिबान थे, जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो भी था और टेक्निकल ऑफिशियल भी थे. तो फोटो सेशन जब शुरू हुआ तो एक महिला पहलवान प्रेसिडेंट ब्रजभूषण की बराबर में खड़ी थी और एक जो चीफ कोच था वो भी था. लेकिन थोड़ी ही देर में जब फोटो की तैयारी चल रही थी तो वो लड़की एकदम से छटपटाई, सबका ध्यान उधर गया. तो जिसमें मैंने भी देखा कि वो लड़की वहां से हट करके दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हुई, तो वो लड़की अपनी भाषा में कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था कुछ, लेकिन होठ चल रहे थे, वो कुछ बड़बड़ा रही थी. और हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो ब्रजभूषण के हाथ ऐसी जगह लगे थे कि जहां पर लड़कियों को नहीं छूना चाहिए. जगबीर जी, उनके हाथ ब्रजभूषण शरण के ऐसी जगह लगे थे जो असहज था, आप ये कह रहे हैं. क्या दिनांक था, फिर से जरा डेट बताइएगा. 25 मार्च 2022 लखनऊ की घटना है ये. ये 25 मार्च 2022 वही दिन है जो एक जो महिला रेसलर कंप्लेनेंट है उन्होंने अपनी कंप्लेन में दर्ज की है, जिसके बिना पर एफआईआर है, उसी पे आप विटनेस हैं. क्या ये वही इंसिडेंट है उसी कंप्लेनेंट से रिलेटेड, उनमें से वही महिला रेसलर ने कंप्लेन की है जिसकी बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, उनमें से एक है. उनमें से एक है. जगबीर जी, आपने अभी जो 25 मार्च वाला वाकया है, जो 2022 का, जो अभी जिसके बयानों पे, जो महिला बयानों पे एफआईआर करी गई है, वो आपने बताया है कि आपकी आंख देखी है कि ब्रिजभूषण शरण ने अपना हाथ महिला रेसलर पे ऐसे रख रखा था कि बहुत ही भद्दा था और असहज था, ये आपने हमें अभी बताया है. जगबीर जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आपके संज्ञान में कोई और ऐसा वाक्या कभी हुआ है जो आप बिल्कुल क्लियरली हमें बता सकते हैं? देखिए, ये तो 2022 की घटना है. उससे पहले 2013 की एक घटना है, थाईलैंड पुकेट में एक जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी 2013 में. वहां की घटना है, वहां पर भारतीय टीम ने एक उमदा प्रदर्शन किया था और वहां पर प्रेसिडेंट भी मौजूद था. तो प्रेसिडेंट ने बच्चों को कहा कि आपके लिए आज इंडियन फूड की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि थाईलैंड में सी फूड ज्यादा मिलता है, ऑयली फूड ज्यादा मिलता है. तो बच्चों ने वो कुछ ठीक नहीं लगा था, क्योंकि रेसलर्स जो हैं वो ज्यादा शाकाहारी होते हैं और दूध घी पे ज्यादा विश्वास रखते हैं. तो उनके लिए रात को डिनर की व्यवस्था की गई इंडियन फूड्स की. तो जहां पर लड़कियों का होटल था, जहां पर खिलाड़ी रुके हुए थे, उस होटल में उस खाने की व्यवस्था की गई
और अध्यक्ष जी ब्रजभूषण जी और उनके जो साथी थे वहां के, थाईलैंड के ही थे, वो सारे नशे में चूर थे और उन्होंने बच्चियों को इस तरह से छुआ जाए जो हमारे समाज में बच्चियों को उस तरह से नहीं छुआ जाता। किसी बच्ची को पकड़ के कि आपने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी, आप बहुत अच्छी हैं, आपका शरीर बहुत अच्छा है, आपको मैं ये मदद करूंगा, आप बड़े पहलवान बनोगे, आपको बताइए किस चीज की जरूरत है, तो ऐसे बयानबाजी हुई। और हम भी उस जगह पर मौजूद थे, हम रेफरी के तौर पर गए हुए थे, वो हमने बहुत बुरा लगा था, वो एक बहुत बुरा सपना था। ये 2013 की घटना आप बता रहे हैं, ये घटना जो सात महिलाओं ने बयान किया है उनमें से नहीं है, पर एक दूसरी घटना है जो आप बता रहे हैं। पर जगबीर जी, मुझे ये चीज बताइए, जो फुकेत थाईलैंड की घटना बता रहे हैं, इसमें बहुत सारी महिलाएं अंडर एज थी क्या, और क्या ये व्यवहार एक से ज्यादा महिला के साथ हुआ, वहां पे महिला रेसलर के साथ हुआ, क्या और लोग भी थे आपके अलावा जिन्होंने ये देखा? हाँ, पूरी टीम थी। हाँ, महिलाएं थी, पुरुष भी थे। तो फिर से पूछूंगी, पूरी टीम थी और लोग भी थे, और जो असॉल्ट हुआ था वो एक रेसलर महिला से ज्यादा रेसलर महिलाओं पे हुआ था, और बहुत लोगों ने ये देखा था आप कह रहे हैं? हाँ भाई, जैसे एक एक उसमें दस दस महिला खिलाड़ी होती हैं, दस में से कम तीन चार पांच को तो इन्होंने पकड़ के आप बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी, आप बहुत अच्छी हैं, आप आपको किस चीज की जरूरत है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा, तो इस तरह का प्रलोभन दिया गया वहां पर। जगबीर जी, क्या इन किसी भी रेसलर्स ने कभी भी आपके पास आकर जो अभी वाकया है उसके पहले बोला कि ब्रजभूषण शरण ने मेरे साथ ये किया, कोई कंप्लेन आई? नहीं, मेरे सामने कंप्लेन, मैं कभी महिला टीम का कोच नहीं रहा, मैं कभी किसी महिला कोच का मैं किसी महिला का कोच नहीं रहा कभी। मैं लड़कों का अखाड़ा चलाता हूं, यहां पर मेरा अपना क्लब है और मैं 2007 से UWW का रेफरी हूं। जगबीर जी, इस सब में जो आपने बयान दिया है, एज एन आई विटनेस भी आपने पुलिस के सामने ये सब बताया है, अब एक चीज बताइए, क्योंकि जो ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं ना, बहुत सारे पूछेंगे कि जगबीर जी आप पहले क्यों नहीं आए, पहले आपने क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हैं? मैडम जी, हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहां पर महिला को खिलाफ भी नहीं बोल सकते, सपोर्ट में तो आप बोल ही रहे हैं, खिलाफ में बोल नहीं सकते। जब तक इस देश में ये कानून है, जब तक महिला खुद शिकायत ना करे, महिला कोई मदद ना मांगे, अगर आप उसकी मदद करना चाहोगे तो आपके खिलाफ ही शिकायत हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं तब तक कोई शिकायत नहीं थी। एक चीज बताइए जगबीर जी, जो इसमें माइनर है, जो नाबालिग लड़की है, रेसलर है, उसका मुद्दा सामने आया है, कह रहे हैं कि चेंज कर दिया है स्टेटमेंट, उसमें आपको कोई ज्ञान है, कोई चेंज किया है स्टेटमेंट? देखिए मैडम, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता कि वो कहां से है, किस परिवार से है, वो माइनर है नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक कमेंट करना जरूर चाहूंगा कि भारतीय कुश्ती संघ का क्या स्वार्थ था कि उस लड़की को माइनर बना के विदेश में भेजा गया, और जब उसने कोई प्रोटेस्ट किया तो आज वो माइनर नहीं है। तो क्या फेडरेशन को पहले से पता था कि वो माइनर नहीं है? जो फेडरेशन के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस प्रतियोगिताओं में उस बच्ची को पार्टिसिपेट करवाया है, उस हिसाब से तो वो माइनर है। तो फेडरेशन आज कैसे कह सकती है कि वो माइनर नहीं है? तब फेडरेशन ने जांच क्यों नहीं की? किस उद्देश्य के कारण उस बच्ची को गलत एज ग्रुप में खिलाया गया, माइनर एज ग्रुप में क्यों खिलाया गया? तो किस बच्चे का हक मारा गया? यह भी तो एक जांच का विषय है ना,
उसमें जांच करने वाला इसका सेक्रेटरी था, उस सेक्रेटरी के साइन है उसके ऊपर कि ये माइनर है, ये इस एज ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकती है, तब इसने जांच क्यों नहीं करवाई? तो जगबीर जी, आप जो कह रहे हैं, जो बार बार एक नैरेटिव चला हुआ आ रहा है, एक भूमिका बांधी जा रही है कि जो लड़की है वो नाबालिग नहीं है, बालिग है, और ये ब्रजभूषण शरण के कह रहे हैं कि उसके कैंप से ज्यादा आ रही है, आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं ये नेशनल टीवी पे कि ब्रजभूषण शरण का सेक्रेटरी, जो WFI का सेक्रेटरी है, उसका साइन है इसके ऊपर कि ये लड़की नाबालिग है, और उस सर्टिफिकेट में इस लड़की ने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला है, सही बात? इसके सेक्रेटरी विनोद तोमर का एज प्रूफ पे साइन है और ये विदेश गई है ये लड़की, एज वेरिफिकेशन की एक कमेटी बनाई हुई थी जो इसका सेक्रेटरी जिसको चाहे उसको बाहर निकाल दे, जिसको चाहे वो खिला ले, इसके सेक्रेटरी के साइन होते थे एज ग्रुप वेरिफिकेशन पे। इसका सेक्रेटरी को इतनी पावर थी कि भारत देश का किसी का डेट ऑफ बर्थ को वो नहीं मानता था, किसी की पासपोर्ट को वो नहीं मानता था, उसके साइन होने हो वो जरूरी थे। जगबीर जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, ब्रजभूषण, आपने खुद कोच रहे हैं, इंटरनेशनल रेफरी हैं, जो मेंस की रेसलिंग टीम थी इंटरनेशनल उसके आप कोच रहे हैं, ब्रजभूषण शरण की क्या छवि थी जो रेसलर्स के बीच में, इन्फ्लुएंशियल थे, काफी कहते हैं उनका दबदबा था, नहीं था, लोग डरते थे, क्या उनकी इन्फ्लुएंस है? अरे देश में सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी कौन है? दाऊद इब्राहिम। इस देश का सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम है, उससे इसके संबंध रहे हैं, इसके ऊपर टाडा एक्ट लग गया है, 302 की धाराएं लगी, और क्या लगना बाकी है? जगबीर जी, बहुत शुक्रिया कि हम आपसे जुड़े, आप एक आई विटनेस हैं, बने रहेंगे कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, पर आपने जो डिटेल में हमें बताया है, आपने साफ बताया है कि एक लड़की, जो एक महिला रेसलर जिसने कंप्लेन किया है फोटो शूट के बारे में, उसने डेट दी है, आपने डेट कंफर्म की है, आपने बोला है कि मैंने देखा था कि ब्रजभूषण का हाथ एक ऐसी जगह पे था उस महिला रेसलर की बॉडी पार्ट पर कि वो भद्दा था, हम देख नहीं पाए, आपने कहा है। आपने उसके अलावा 2013 का वाक्य बताया है जब फुकेत थाईलैंड में आप कह रहे थे कि एक नहीं चार पांच महिला रेसलर्स के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया। बहुत शुक्रिया जगबीर जी कि आप हमसे जुड़े, विटनेस होने में हिम्मत लगती है, बहुत शुक्रिया सर।